गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिफ्थ क्लास लेक्चर सीरीज में पांचवें सेमेस्टर के अभिनय के पहले पेपर का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है एस्टेब्लिशिंग रिदम विथ अदर कैरेक्टर। आपने अपना किरदार तैयार कर लिया है, दूसरे एक्टर ने भी उसका किरदार तैयार कर लिया है, अब आप एक सीन में एक दूसरे के आमने सामने हैं, तब आपको उसके रिदम के साथ अपना रिदम मैच करना है। ऐसे करने की जरूरत क्यों है? नाटक का निर्देशक एक रिदम तय करता है। ये रिदम क्या होता है? रिदम का मतलब स्पीड नहीं होता, रिदम का मतलब होता है लय। और ये लय तीन प्रकार के संगीत में बताई गई है, एक विलंबित लय, दूसरी मध्य लय और तीसरी द्रुत लय। तो निर्देशक तय करता है कि ये सारा नाटक एक विलंबित लय में आरंभ होकर विलंबित लय में खत्म होगा या फिर तीनों लय इस नाटक में होगी। अब जैसे कोई नाटक ऐसा होता है कि जो बड़ी मंद गति से मंद लय में चलता है, लेकिन जब वो खत्म होता है तो बहुत परिणाम दर्शकों पर करता है। तो निर्देशक के पास इस लय को डिसाइड करने का अधिकार होता है। अब एक बार पूरे नाटक की लय को उसने डिसाइड कर दिया, उसके बाद वो सीन की भी लय तय करता है। एक्टर को निर्देशक द्वारा तय की इस लय में अपने आप को ढालना पड़ता है। मतलब कोई भी एक्टर ऐसा अभिनय नहीं कर सकता जो कि नाटक के रिदम के साथ मैच न करता हो। जैसे उदाहरण के लिए कॉमेडी है, कॉमेडी जब होती है तो बहुत ज्यादा हलचले होती हैं, बहुत ज्यादा एक गति होती है और उसकी लय भी निर्देशक तय करता है, वो द्रुत लय, बहुत ज्यादा एक्शन उसमें होता है। लेकिन भाई यदि वो निर्देशक किसी ट्रेजेडी को डायरेक्ट कर रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि वो मध्य लय में नाटक को सेट करता है या इवन विलंबित लय में भी नाटक को सेट करता है। अब ऐसे समय में जब एक्टर मंच पर आते हैं तो निर्देशक के द्वारा तय की लय में तो उनको काम करना है, लेकिन एक दूसरे के साथ भी उनको एक ही लय में आना है। मतलब मान लो एक कोई एक्टर है जो कि बहुत आराम से एक ठहराव के साथ काम कर रहा है और दूसरा कोई एक्टर आकर अचानक बहुत द्रुत लय में काम करने लगता है, तो दर्शकों का फोकस बिगड़ जाएगा। दर्शकों को ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये दोनों मैच नहीं हुए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह के लय का डिफरेंस जानबूझ के भी निर्देशक रख सकता है। मतलब उदाहरण के लिए नाटक में यदि एक बाप का किरदार है और एक बेटे का किरदार है तो ये दोनों को अलग अलग टेम्पो में वो सेट कर सकता है कि एक का बहुत भड़कीला मिजाज है, बहुत ज्यादा एक्शन है, बच्चा बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है, रैप कर रहा है, डांस कर रहा है और बाप उतना ही साइलेंट है, ऐसा कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद डिफरेंस लय में होने के बावजूद उनको एक साथ मेल खाना है, दैट इज क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिदम्स। ये लय को आपको, ये दोनों के रिदम को आपको सेट करना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक परिवेश में नहीं है। तो आप अगर एक घर में हैं तो उस घर के जो संस्कार है, उस घर का जो वातावरण है वो एक लय तय करेगा, उसमें ही आपको काम करना है। यानी आप बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं दिखा सकते। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लो दो अलग अलग कल्चर्स से दो कैरेक्टर एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, तब विविधता दर्शाने के लिए उनकी दो अलग टेम्पोस को
लय को निर्देशक सेट कर सकता है। लेकिन आमतौर पर आपको जब अन्य किरदार के साथ काम करना है तो उसकी जो वेवलेंथ है, उसका जो वाइब्रेशन है, उसके साथ एक अनुसंधान बनाना पड़ता है। वो अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप सीन में जेल नहीं होते। ऐसा लगता है कि एक आदमी किसी और ग्रह पर है और दूसरा आदमी किसी और ग्रह पर है। तो नाटक जब लिखा जाता है, नाटककार जब एक नाटक लिखता है तो वो एक अपना टेम्पो सेट करता है। उसके डायलॉग्स का एक टेम्पो होता है, एक लय होती है, उसके सीन्स का एक टेम्पो होता है। उस टेम्पो के साथ एक्टर को मैच करना होता है। और एक एक्टर जो फुल्ली चार्ज है, जिसने पूरे किरदार को अपना लिया है, आत्मसात कर लिया है, वो जब दूसरे के सामने खड़ा होता है तो दोनों के बीच में, हम लोग कई बार उसको केमिस्ट्री भी बोलते हैं, कि क्यों ऐसा होता है कि दो लोग जब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जेल होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि उनकी केमिस्ट्री अच्छी जम रही। यानी दोनों की जो लय है वो एक मैच हो रही। तो इस तरह से आपको, भले आप दो अलग किरदार हैं, लेकिन आपको नाटक की लय के साथ एक लय होना है। और ये जब आप करते हैं तब आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप उस किरदार के साथ एक आपका ट्यूनिंग बनता जाता है। और ये सब क्यों होना चाहिए? फिर नाटक का फंडा एक ही, कि सब कुछ नाटक में जो हो रहा है वो दर्शकों को विश्वसनीय लगना चाहिए। और इस विश्वसनीयता को प्राप्त करने के लिए हर किरदार को नाटक में दी हुई अपनी लय को ढूंढना है और दूसरे किरदार की भी लय को समझना है और फिर दोनों को एक दूसरे के साथ मैच भी करना है। ये जब हो जाता है तो जैसे एक सुरीला ऑर्केस्ट्रा लगता है और सारे वाद्य उसमें एक सुर होकर गाते हैं या बजते हैं और गायक भी अपना सुर उसमें मिलाता है, तो जो एक ऑर्केस्ट्रेशन होता है वैसा फीलिंग दर्शकों को नाटक देखने के बाद आता है। और यही अगर आपकी अलग अलग टेम्पो रही, आपकी लय अलग अलग रही, तब दर्शकों को उसमें एक मिसमैच होता है और दर्शक अस्वस्थ हो जाते हैं, वो जुट नहीं सक पाते हैं नाटक के साथ। इसलिए बहुत जरूरी है, हम लोग अभी तक किरदार को कैसे निभाना इसकी टेक्निक सीखते रहे। किरदार को आत्मसात करने के बाद जो भीतर से स्पंदन उठता है वो होती है उसकी लय, और वो महसूस होती है। हर एक्टर को वो लय महसूस होती है और दूसरे एक्टर की लय भी उसे महसूस होती है। और जब दो अच्छे एक्टर एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये लय मैच होती है, और ये जब मैच हो जाती है तब जाकर वो पूरे सीन का एक अलग आनंद दर्शक उठा पाते हैं। तो इसलिए नाटक के ओवरऑल नाटक की लय, उस सीन की लय, उस किरदार की लय और किरदार की अपने को आर्टिस्ट के साथ रहने वाली लय, इनका एक तालमेल पूरे नाटक में दिखलाई देना चाहिए। ये जब दिखलाई देता है तो नाटक विश्वसनीय लगता है और नाटक ज़्यादातर सफल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।